हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। हमने एचटीएमएल के बेसिक्स पढ़ लिए थे, आप सबको समझ आ गया था एचटीएमएल क्या होता है। आई होप आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। सो आज हम एक स्पेसिफिक टैग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पैराग्राफ। सो हम पहले एचटीएमएल का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेते हैं। एच, यहाँ पे सजेशन आ गया, एंटर। हम टाइटल इसको दे लेते हैं लेक्चर टू पैराग्राफ। सेव। सो पैराग्राफ को हम पी टैग से लिखते हैं, पी ये हमने लिख दिया। अब हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो इसके अंदर लिखते हैं। आप सब लोग नाम से समझ ही गए होंगे, पैराग्राफ वेब पेज में पैराग्राफ डिस्प्ले करने के लिए होता है। सो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ। सेव सेव। आई होप आप सबको याद होगा रन कैसे करते हैं फाइल को। सो ये देखिए, यहाँ लिखा आ गया दिस इज अ पैराग्राफ, और लेक्चर टू पैराग्राफ टाइटल भी आ गया। अब मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ। दिस इज अनदर पैराग्राफ। सेव। वापिस ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। एक और बात नोट करने की है कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में हमें बीआर टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही आता है। बट आपको एक और बात नोट करने की है कि जैसे कि दिस इज अनदर पैराग्राफ लिखा, यहाँ मैं एंटर एंटर एंटर, तो एचटीएमएल इसको इग्नोर करेगा। मैं आपको अभी रन करके भी दिखाता हूँ, देख लीजिए ये बिल्कुल वैसा ही है, बट कोड में ये नेक्स्ट लाइन में। तो आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए इसके बीच में बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा। सेव। वापिस ब्राउजर में जाएंगे, देखिए दिस चीज के बाद मैंने बी आर लगाया था तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। अनदर पैराग्राफ इज इन नेक्स्ट लाइन। तो पैराग्राफ की और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जैसे हम पैराग्राफ के अंदर हम इटैलिक करने के लिए आई टैग यूज कर सकते हैं। सो मैं आई टैग बता रहा था आप सबको, आई। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब अनदर हमारा इटैलिक में आ गया होगा, रिफ्रेश। ये देखिए अनदर इटैलिक में आ गया। अब मैं दिस को बोल्ड कर देता हूँ। देख लीजिए दिस हमारा बोल्ड हो गया। और भी पैराग्राफ की बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ हमारा वर्टिकल लाइन को इग्नोर करता है, वर्टिकल स्पेसिस को। सो ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिस को भी इग्नोर करता है। जैसे मैंने यहाँ इतना स्पेस डाल दिया, यहाँ इतना, कंट्रोल एस भी दबा दिया। अब इसके बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, देख लीजिए ये लाइन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आप देखिए कितना स्पेस है। तो एक्चुअली हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में स्पेस डालने के लिए एच आर टैग का यूज करना पड़ता है, दैट इज एच आर। सेव। जैसे बी आर होता है वैसे ही एक एच आर होता है। सो अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख लीजिए यहाँ एक लाइन आ गई और वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब समझ आया होगा, आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं।